हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज बहुत दिन बाद मैं एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई नो गाइस, पास्ट फ्यू मंथ्स से मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में। हाउएवर, यूट्यूब शॉर्ट्स में डेली बेसिस में अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पे मेरा कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज का दिन काफ़ी ज़्यादा जैम पैक है, आज मेरा शूट डे है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ मेरा शूट डे कैसा लगता है। और आज मुझे शूट जो है वो घर से नहीं करना है, मुझे स्टूडियो जाके करना है। रिसेंटली मैं बहुत सारे स्टूडियो लाइव्स कर रही हूँ अमेज़ॉन ऐप पर, वहाँ पर आप मेरे कॉन्टेंट को भी देख सकते हैं। एंड आज वही दिन है, तो सुबह उठते साथ ही मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर से पीती हूँ, इससे मुझे काफ़ी एनर्जी बूस्ट मिलता है। बट मैं डेली बेसिस में ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती हूँ गाइस, क्योंकि उससे मेरा एनजाइटी थोड़ा सा ट्रिगर होता है कैफीन के वजह से। तो एवरी अल्टरनेट डे में मैं ऐसे स्विच करते रहती हूँ, कभी ग्रीन टी पीती हूँ या फिर मैं कभी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, तो इसी तरह से मेरा स्विच ओवर होता रहता है। एंड इन द मीन टाइम मैं अपना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। अगर मैं ये लिस्ट मेंटेन ना करूँ, इसे फॉलो ना करूँ ना, मेरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और मेरा कोई काम नहीं होता है। इसीलिए मेरे लिए तो मैंडेटरी है टू डू लिस्ट को मेंटेन करना। एंड वंस वो मेरा रेडी हो जाता है ना, मैं थोड़ा सा अपने बैल्कनी गार्डन को निहारती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी मम्मी को गार्डनिंग का शौक है वैसे मुझे भी है। एंड जब मम्मी आई थी तो गार्डन को बहुत ही प्यारे तरीके से और भी सजा दी, नॉट ओनली मम्मी, मौसी भी काफ़ी हेल्प की थी। एंड मेरा गार्डन वापस से काफ़ी सुंदर लगता है, एंड सुबह वो गार्डन को देखना मुझे बहुत पसंद है। एंड आप लोग मेरे को बोलते हैं जब कभी भी मम्मी आती है तो आप व्लॉग क्यों नहीं करते हो। गाइस, मम्मी से ना मैं 6 महीने में एक बार मिलती हूँ, एंड मुझे पसंद नहीं आता है कि मम्मी जब घर पर आए तो उनके सामने मैं कैमरा उनके मुँह के पास रखूँ एंड व्लॉगिंग। मैं चाहती हूँ उन लोग के साथ ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इसीलिए ना मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, थोड़े बहुत कंटेंट शूट करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग समझ पाते होंगे। एंड इन द मीन टाइम आप देखें कि मेरी कुक दीदी भी आ गई है, एंड वो मेरा ब्रेकफास्ट एंड लंच बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बेड वगैरह रेडी करने के बाद मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। गाइज, ये आपके साथ होता है कि नहीं ज़रूर बताना, बट जब कभी भी मैं हेयर कट करती हूँ मुझे लंबे बाल पसंद आते हैं, एंड जब मेरे लंबे बाल हो जाते हैं मुझे हेयर कट करने का मन करता है। ये कश्मकश मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहता है, इसलिए बिफ़ोर वॉश मैं थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ ताकि मेरा बाल थोड़ा सा नरिश हो जाए और जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। एंड देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। आज हम खा रहे हैं फाइबर से भरा हुआ उपमा, एंड विस्की को बीन्स बहुत पसंद है इसलिए मैं उसे बीन्स भी फीड कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है सारे पौधों को अच्छे से पानी देना। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुबह उठते साथ ही ना धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो मैं ये मैंडेटरी करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही पानी दो ताकि होल डे का जो धूप है वो मेरे पौधे बर्दाश्त कर पाए। एंड ये पानी देते देते इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मैं झटपट से नहा धो के पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाय 12 PM निकलना रहता है घर से। एंड आज ही मैंने नोटिस किया कि मेरे घर के पास ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं यहाँ से ही निकल नहीं पाऊँगी, अपने डेस्टिनेशन में कब पहुँचूँगी। इसलिए मैं झटपट से नहा धो के पूजा ख़त्म कर ली एंड क्विकली मेकअप एंड ड्रेसिंग कर रही हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द पहुँच पाऊँ। एंड जब से मेरा ये प्रोफेशन लाइफ स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ पे मुझे मेकअप करना रहता है, रेडी होना रहता है, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट तो ज़रूर होती है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना भी मेकअप के टेक्निक्स नहीं आते हैं। जितना बेसिक है वैसे ही मेकअप करके मैं तुरंत रेडी हो जाती हूँ। एंड ये दिन तो इतना ज़्यादा भसड़ मच चुकी थी कि मेरे बाल ड्राई होने से पहले ही मुझे निकलना था, क्योंकि मेरी कैब आ चुकी थी और वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तो झटपट मैं निकल तो गई, बट बहुत सारी चीज़ें मैं भूल के गई थी, जैसे बेसिक सा पानी बॉटल मेरे पास नहीं था, और इतनी गर्मी में सबसे ज़्यादा प्यास ही मुझे लगती है। बट समहाउ आफ्टर लाइक 45 to 50 minutes मैं अपने स्टूडियो में पहुंची, एंड वहाँ पे देखिए सेट कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे कैमराज होते हैं, लाइट्स होता है, ये कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हमेशा मैं घर पर ही बैठ के अकेले में शूट करती हूँ, वो मेरे को ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है,
बट यहाँ पे सबके सामने शूट करना एक नया एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी मज़ा भी आता है। शूट ख़त्म होते होते शाम के 4 बज जाते हैं एंड मैं लंच का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं डब्बा पैक करके लेके जाऊँ एंड जब कभी भी मैं लौटती हूँ ना कैब में ही मैं अपना लंच कर लेती हूँ। एंड पराठा थोड़ा सा ईजी होता है खाना, तो काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी एंड पनीर से भरा हुआ पराठा खाती हूँ। एंड साथ ही साथ देखिए मैं कैमरा में भी देखती हूँ कि विस्की क्या कर रहा है, क्योंकि विस्की को उतना समय मैं अकेले घर पे छोड़ के आती हूँ, तो मैं कैमरा में ही मॉनिटरिंग कर रही हूँ। एंड जब से मैंने कैमरा लगा दिया है ना, लाइफ काफ़ी ईजी हो चुका है। तो आते साथ ही सबसे पहले मैंने विस्की को फीड किया एंड अगेन चेंज करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस, बिल्कुल भी ये मेकअप ये रेडी होके बैठना तो हो ही नहीं सकता है। तो क्विकली मैंने सारे मेकअप रिमूव किया, अच्छे से फेस को वॉश किया एंड ड्रेस को चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगती है एंड क्योंकि ये आम का सीज़न है, मुझे आम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो क्विकली यहाँ पे मैं एक आम धो के क्विक स्नैक की तरह खा लूँगी। एंड क्योंकि अभी मतलब ये टाइम ना कुछ होता नहीं है, बेसिकली एक घंटा मुझे अपने लिए मिलता है, तो जितने भी मेरे मेल्स का रिप्लाई करना होता है या फिर कुछ नए कॉन्टेंट देखना रहता है ना, इसी 1 आवर में कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को विस्की को वॉक में लेके जाना होता है। आफ्टर हिज वॉक उसके बाद मेरा पूजा का टाइम हो जाता है, शाम का आरती मैं करती हूँ एंड क्विकली विद इन नो टाइम मैं अपने शूज़ वगैरह रेडी करके वॉक के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये टाइम पे वॉक के लिए नहीं गई ना, फिर तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता है। एंड अंधेरा होने के बाद ही मैं वॉक में जाती हूँ, क्योंकि गर्मी एक तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है एंड ये टाइम ना काफ़ी पीसफुल होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पार्क में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। अच्छा सा मैं यहाँ पे वॉक ख़त्म करके पूरा एकदम पसीने से लथपथ होके आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं शार लेके शांति वाला नींद पा सकती हूँ। एंड देखिए इतने टाइम बाद ही जैनत घर आते हैं एंड उसके बाद ये हमारा मील टाइम हो जाता है, इसके बाद हम बैठ के बात करते हैं, खाना पीना करते हैं, मस्तियाँ करते हैं। एंड देखिए मैं यहाँ पे अपना ग्लो दिखा रही हूँ और साइड में जैनत बैठ के चिप्स खा रहा है। सो दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ। बट मैंने डिनर किया एक अच्छा सा गर्मा गर्म सूप के साथ, अगेन बहुत सारे फाइबर्स एंड साथ ही साथ मैंने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देखा। सो ये था मेरा दिन। अगर आपको इस तरीके के मेरे व्लॉग्स देखने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं सृष्टि मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।